जैसे गेट बंद था भाई, तो जब हाई टाइड होता है यहाँ का रास्ता बंद होता है, तो अभी हाई टाइड नहीं है और माशाल्लाह काफ़ी लोग आए मेरे पीछे आप नज़ारा देख सकते हैं। अभी तकरीबन शाम के 4:15 बज रहे हैं, अभी यहाँ पे रहना है और देखना है कि आज हाजी सरकार में जितने भी लोग हैं उनसे भी सवाल जवाब होगा कि वो कहाँ से आए हैं, उनकी मन्नतें क्या है। और अपन तो मुंबई गर्ल्स स्पेशली आते ही रहते, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, अब चलता हूँ दरगाह शरीफ की तरफ। आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहे और अल्हम्दुलिल्लाह टीम अननोन डॉक्टर को आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई बुजुर्गाने दिन से मोहब्बत करने वाले हो तो अपने भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और अपने भाई की मेहनत को देख के तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, अब चलते हैं दरगाह शरीफ की तरफ। तो जब भाई पहले आते थे ना, तो ये पूरे रास्ते पर भाई कुछ ना कुछ बिकता रहता था, जो अभी गवर्नमेंट ने हटा दिया है। और ये वाला जो व्यू है भाई, ये डायरेक्ट रोड दिखता था, मगर अभी ऐसे क्या रिंग रोड या फिर जो भी नया रास्ते का नाम है वो मुझे उतना याद नहीं है भाई। तो ये रास्ता चालू हो गया है भाई, तो ये जो पूरा सीन है ना पूरा चेंज हो चुका है। जब आप एंट्री करते हो तो फ्लाईओवर के नीचे से रास्ता बन चुका है, तो पहले ऐसा नहीं था। जो पहले स्टार्ट था हाजी अली जूस सेंटर के, वहाँ से जैसे आप एंट्री करते थे थोड़ा आगे आते थे तो डायरेक्ट दरगाह शरीफ की ज़ियारत हो जाती थी, मगर अब ये वाला जो गेट है इसके आगे आते हो तो ज़ियारत होती है। और भाई ये एक ऐसी जगह है कि पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी लोग आते ना, तो कुदरत का ये करिश्मा देखने ज़रूर आते हैं लोग कि भाई कैसे पॉसिबल है कि समुंदर के बीच में कोई दरगाह शरीफ है और उस दरगाह शरीफ का जो मेन गेट है वहाँ आज तक पानी अंदर नहीं जा पाया है। तो लोग ये देखने के लिए तो ज़रूर आते हैं भाई। तो अब हम भी चलते हैं भाई दरगाह शरीफ की तरफ। तो फाइनली भाई हर धर्म हर मज़हब के लोग यहाँ आते हैं। और ये कॉर्नर पे एक सीन दिखाऊंगा, जो ये पानी उछलता है ना, अभी ये बहुत कम उछल रहा है, स्पेशली लोग इसके लिए खड़े रहते हैं कि भाई ये पानी उछले और उनके आंग पे आए भाई। तो वो वाला भी मज़ा एक अपना अलग है, बट जब भी यहाँ पे आए तो भाई ये कॉर्नर से ना चले, क्योंकि ये जो नीचे है भाई काई जमी हुई है ना, पानी रोज अप डाउन होता रहता है, तो जब भी चले भाई ये प्रॉपर बीच में से चले, स्टंट दिखाने नहीं जाए, नहीं तो फिर आप लोग को भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये अरेबियन सी है भाई, यहाँ से लेके जाएगा और पता नहीं कहाँ पे कौन से किनारे पे निकालेगा भाई, तो इससे बच के रहिए, समुंदर है। तो लोग इंतजार करते रहते कि वो पानी कब उछलेगा और प्रॉपर वीडियो बनेगी भाई। तो शायद हाई टाइड अब भी उतरा है और ये गेट अभी खुला है। भाई ईद और बकरा ईद के टाइम अगर आप आते हो तो भाई यहाँ पे एक ऐसा सीन है ना कि भाई हो सकता है ये वाला जो रास्ता ये क्रॉस करने में आपको दो दो तीन तीन घंटा भी लग जाए भाई, इतना पैक होता है भाई। तो ये जो लेफ्ट में पूरा एक पत्थर का बना हुआ दिख रहा है, वहाँ सब प्रॉपर होटल वगैरह थे, वो भीड़ गए और पब्लिक यहाँ फुल मजे ले रही है।
और ये भी एक अलग है भाई। और यहाँ पे है तो फोटो भाई अब खिंचाना है नहीं खिंचाना है वो आपके ऊपर है। हाँ, मगर यहाँ के फोटोग्राफी के जरिए ही कई लोगों का घर चलता है भाई। और फाइनली मेन गेट के पास आप पहुँच गए अभी। अब यहाँ से अंदर जाना है, वजू करना है, फिर नमाज असर भी इंशाल्लाह यहीं मिल जाएगी भाई अपने को। तो माशाल्लाह यहाँ पे आ गए भाई, ये दरगाह का जो मेन गेट है समुंदर के। तो भाई ये जो नज़ारा है दरगाह के पीछे साइड का, पुलिस सिक्योरिटी पूरी यहाँ बैठी है क्योंकि हाई टाइड है। हाँ, लोगों को इसके आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। ये वजू खाना है, बस अभी थोड़ी देर में असर की अजान होगी भाई। और कहाँ से कहाँ तक मुंबई का रोड जोड़ रहा है समुंदर के ऊपर, वो आप देख सकते हो भाई। जो समुंदर का भाई आज पानी का फ्लो है भाई, बहुत जबरदस्त प्रेशर में। तो भाई यहाँ का भी नज़ारा, दरगाह से जब ये साइड आप आते हो यहाँ से एक रास्ता है, यहाँ पे जब आओगे भाई बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ का भी। यहाँ की पे ऐसा लगता है इसके आगे भाई दुनिया ही नहीं है, सिर्फ पानी पानी है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई बहुत अच्छे से हाजिरी हो गई। और कुछ टर्म एंड कंडीशन है भाई, लोग कह रहे थे कि भाई अंदर वीडियो मत बनाओ तो बेहतर है, तो अपन इसके लिए फटाफट बाहर निकल गए। और यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए आपको दो जगह ऑप्शन है, एक तो दरगाह शरीफ को लग के मस्जिद है, और एक जब आप स्टार्ट में एंट्री करते हो मेन गेट से तो उसको मेन गेट को लग के ही राइट साइड में मस्जिद है भाई, वहाँ पर भी आप नमाज़ अदा कर सकते हो। और माशाल्लाह यार ये जगह का क्या ही कहना यार, अपन लोग बहुत खुशनसीब है जो मुंबई में रहते हैं भाई। और बुजुर्गान दीन की बारगाह में हाजिरी होती रहती, तो माशाल्लाह दिल खुश हो गया भाई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो थ्रश से पूरा परमिशन लेंगे, और उनके साथ मैं आप लोग को वादा करता हूँ भाई, उनके साथ मिलके भाई एक एक चीज़ डेफिनेशन के साथ पूछा जाएगा कि कहाँ पे क्या है, कैसा है, पानी क्यों नहीं चढ़ता, ऐसे बहुत सारे सवाल। और आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि मुझे और क्या क्या सवाल पूछना चाहिए भाई।
और अल्हम्दुलिल्लाह रेनोवेशन का काम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। तामीरी काम जो है भाई, हम कह सकते हैं ना, खूबसूरती बढ़ाने के लिए जो दरगाह शरीफ का काम चल रहा है। और दो तीन दिन पहले बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार भी यहाँ पे आए थे, 1,20,00,000 या कुछ उन्होंने भी यहाँ पे दिया है भाई। तो बस जब ये दरगाह शरीफ पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी, पहले तो वो मेन रोड से एक अलग नज़ारा होता था, मगर जब ये ब्रिज के ऊपर से हम पूरी दरगाह तैयार होने के बाद देखेंगे ना कि भाई ये पूरा सराउंडिंग कैसा लग रहा है, उसका एक मज़ा ही अलग होगा। तो माशाल्लाह भाई बहुत अच्छे से ज़ियारत हो गई। अभी जो एंड वाला पार्ट है वहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। पहले ऐसा लगता था कि यार ये जो फ्लाईओवर बन रहा है ना, इसकी वजह से यार थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है, मगर अब ऐसा हो रहा है कि ये जो पत्थर रखे हुए हैं सारे भाई, तो जब लोग ज़ियारत करके आते हैं भाई, यहाँ इतनी सुकून वाली हवा है ना कि लोग ऑटोमेटिक यहाँ बैठ जाते, बोले थोड़ा सा बैठते हैं। और इस पत्थर पर जब आप बैठते हो और भाई और पूरा दरगाह शरीफ का ज़ियारत यहाँ से होता है, तो भाई एक मज़ा ही अपने आप में अलग है यार। बहुत खूबसूरत व्यू है। तो आते टाइम मैं सोच रहा था कि काफ़ी जो यहाँ पे धंधे वगैरह लगते थे ना भाई, वो सारे लोग कहाँ गए होंगे भाई, क्योंकि आप जब आते हो तो स्टार्टिंग में ही कुछ धंधे लगे हुए, फूल चादर ये सब के, और कुछ लोग यहाँ से भाई हाँ घर के लिए फ्रेम वगैरह तस्बीह वगैरह और कुछ चीज़ यहाँ की, मतलब आए तो यहाँ से कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए। तो अब जाते टाइम मैं देख रहा हूँ ये फ्लाईओवर के नीचे भी भाई एक प्रॉपर मार्केट बना हुआ है, तो अब जाते जाते देखेंगे कि यहाँ पर भी क्या क्या चीज़ बिक रही है। और बेस्ट पार्ट ये है कि अगर बारिश भी हो रही है या गर्मी भी है, तो जो लोग धंधा कर रहे वाला आराम से बिजनेस कर सकते हैं, और जो खरीदने वाले वो एकदम इत्मीनान से खरीदी कर सकते हैं। तो एक रास्ता प्रॉपर रखा गया है आने के लिए और एक रास्ता रखा गया है जाने के लिए। तो चलो अब हम भी बढ़ते हैं घर की तरफ और देखते हैं रास्ते में क्या क्या बिक रहे। तो फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे और आप सभी के साथ आएंगे भाई दरगाह शरीफ हाजी अली भाई सरकार की बारगाह में ज़रूर आएंगे। तो ये एकदम फाइनल वाले एंड पे खड़ा हूँ भाई, अब इसके आगे से ज़ियारत दरगाह की नहीं होगी क्योंकि बीच में बन चुका है फ्लाईओवर। तो अब चलो भाई वक्त है रुखसती है ना, और ये थोड़ा सा मार्केट का टूर, यहाँ खिलौना फ्रेम तस्बी हाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती है। और जो भी लोग आते हैं मोस्टली जो मुंबई के बाहर से, हाँ वो कुछ ना कुछ यहाँ से याददाश्त के लिए ज़रूर लेके जाते कि भाई यहाँ गए थे तो ये वाली चीज़ खरीदे थे भाई। तो जो सबसे ज़्यादा भीड़ दिख रही है भाई ज्वेलरी सेट वाली शॉप पे दिख रही है भाई, हैट वगैरह मिल रहा है, दुपट्टा स्कार्फ बहुत सारी चीज़ें है भाई। तो जब भी आए भाई यहाँ से कुछ ना कुछ खरीदे भाई, क्योंकि यही सबसे इन भाइयों का घर चलता है भाई। हाँ अभी जो चश्मे का बिजनेस है थोड़ा डाउन दिख रहा है, बट आप अगर गर्मी के टाइम आओगे तो सबसे ज़्यादा चश्मा ही बिकता है भाई। तो ये बेस्ट हो गया भाई, फ्लाईओवर के नीचे जो सारे धंधे लग रहे हैं भाई, प्रॉपर लोग छाँव में काम कर रहे हैं। अब बारिश आती है तो भी नहीं हटाना पड़ेगा। तो बहुत कुछ बिक रहा है भाई यहाँ पे। किचन वगैरह भी भाई जगह पे बना के मिल रहा है, नेम ऑन राइज है। तो जो भी मेहनत कर रहे हैं अल्लाह सबकी रोजी में खूब बरकत दे। और अभी जो अपन चल रहे भाई प्रॉपर ये फ्लाईओवर के नीचे से चल रहे भाई, और अब यहाँ पे आती है भाई फूल चादर लोबान इत्र ये सब चीज़ अगर आपको चाहिए तो वो सारी दुकान यहाँ पे। तो जब एंट्री करते हो वही टाइम आप ले लेते हो भाई, फूल हो गई चादर हो गई, जो भी बुजुर्गाने दिन की बारगाह में आपको पेश करना है भाई है ना। और फिर ये वाला फ्लाईओवर जो मैंने अभी दिखाया था, उसके बाद फिर डायरेक्ट दरगाह के अंदर ही एक फूल की दुकान है, बिस्मिल्ला फ्लावर हाउस या बिस्मिल्ला फ्लोरिश जो भी है ना भाई। तो कुछ लोग यहाँ से परचेसिंग करते हैं और कुछ लोग वहाँ से करते हैं। बट एक चीज़ हमने अंदर बहुत मिस की भाई, जो समुंदर किनारे
समोसे वाले, भजिए वाले और ये सब जो चीज़ें बिकती थी भाई, वो चीज़ को मिस किए। बट गवर्नमेंट के कुछ रूल एंड रेगुलेशन है तो वो सब सारी चीज़ें हटा दी गई है भाई। तो माशाल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई यहाँ पे आके। आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा? और भाई अगर कुछ गलती हुई होगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप लोग का जो कमेंट है वही टीम अननोन ब्लॉगर के लिए कंटेंट है, तो प्लीज़ भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बने। बस आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और माशाल्लाह भी जो भी वीडियो अपन अपलोड करते हैं उसमें आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते हो भाई, बहुत अच्छे व्यू आते हैं, बहुत अच्छे कमेंट आते हैं। और जहाँ मैं गलत भी रहता हूँ वहाँ मेरे भाई लोग कमेंट करके बता देते सरफराज भाई यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है। तो भाई आप लोगों से ही सीखने आए, इस तरीके से ही सपोर्ट करते रहो भाई। और भाई एक सपना है भाई, फटाफट गोल्डन प्ले बटन लाना है। सिल्वर प्ले बटन तो आप लोग के सपोर्ट से आ गया, बस सपोर्ट बनाए रख के भी गोल्डन बटन भी लाना है। तो चलो फाइनली एग्जिट पे आ गए, वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने भाई के लिए ज़रूर दुआ करें, पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ की दरख्वास्त।